आज हमारे आंगना माखनी श्री तले खिलाऊं और वही शिवालय था वो जहां नरसिंह ने पहली बार अपने मुख से कहा जय जय श्री कृष्ण। तब से लेकर के अंत प्राण तक वो जब अंत प्राण आवे वो जय श्री कृष्ण कहता हुआ जय श्री कृष्ण अपने तन को त्याग और सबसे पहले नरसिंह मेहता का विवाह हुआ। नरसिंह मेहता की एकमात्र सुपुत्री हुई जिसका नाम नानी बाई, जिसका नाम नानी बाई। और आज हम क्या देखने वाले नानी बाई को मायो उसी नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र बने। कैसे इतनी अनन्य तपस्या भाई की ननद और सासू का आगमन होता है। भागुसा मेरी प्यारी भागुसा, अरे आपके आने से हमारी आंगन में विशाल छा गई। सच आपके पाँव साफ सच के पाँव, कितनी सुंदर जोड़ी है हमारी प्रिया और भाभी की। तभी सासू माँ का महाआगमन होता है। और भोगी भी कैसे नहीं, इतने बड़े धनवान नरसिंह जी की एकमात्र सुपुत्री जो है, सच हमारे तो बड़े सौभाग्य जो नरसिंह जी जैसे समझी और नानी जैसी बहु मिली है। माँ आप कैसे क्यों कहती हो माँ, सौभाग्य तो मेरे है जो आप जैसी सासु माँ को प्यार मिला। अच्छा माँ घर में कुछ काम पड़े है, मैं उसे पूरा करके आती हूँ। अरे रे रे भाभी, अरे हाँ दे रे, क्या बोल रहे हो तुम, हमारे पुत्री आप घर के काम क्यों करेंगी। सुनिए जब तक मैं इस घर में हूँ ना, तब तक कोई भी काम में आप हाथ नहीं लगाएंगे। तभी वहां नरसिंह का प्रवेश होता है। अरे बिटिया नानी, अरे बिटिया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। समधि जी आइए, समधि जी ये धन धन भाग्य हमारे, आइए समधि जी आइए। ये इसे कहते हैं सच्चे दिल से याद करना, आपकी बहुत लंबी उम्र है। हरे कृष्ण संभर जी, हम भी धन्य हो गए। मैं आप लोगों के लिए छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ, लीजिए स्वीकार कीजिए। अरे संभर जी इसकी क्या जरूरत थी, अरे आप आए इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। अरे माँ संभर जी इतने प्यार से ले आए तो रख लो ना। अच्छा आप कहीं देखते तो मैं लग लेती हूँ। और वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन बेटी अब हमें चलकर समधि जी के लिए भोजन पकवान की व्यवस्था करनी चाहिए। समधि जी के स्वागत में कोई कमी ना रह जा। समधि जी तब तक आप नानी बिटिया से बात कीजिए, हम लोग अभी आते हैं। कैसी है मेरी लाडो। बापूजी आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, अब कैसे हैं बापूजी। बिटिया मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे तो भगवान जैसा रखेगा मैं वैसे ही रह लूंगा। सावरी की कृपा से ये धन दौलत ये तो सब सखा और सखी जी के लिए लाया हूँ। बिटिया तेरे लिए तो मैं एक अनमोल उपहार लाया हूँ। बिटिया ये देख, मैं तेरे लिए सांवरिये की सच्ची भक्ति करके आया हूँ। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सांवरिये के मूर्ति कन्हैया यही तेरा सच्चा साथी है, यही तेरा सच्चा साथी है बिटिया, यही तेरा भाई है, यही तेरा साथी। सरका जी
आइए भोजन तैयार है। आइए सागर जी, आइए आइए। आओ भगत, क्योंकि सभी को पता है सुख के सब साथी दुख में आओ। जब आपने पूछा ही है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इस कलयुग में मेरा सबसे प्यारा भगत नरसिंह मेहता है। हे त्रिलोकीनाथ, काम क्रोध माया लोभ मोह इन सबसे परे इस दुनिया में आपका ऐसा कौन सा भक्त है? रुक्मण, उसका नाम भी नरसिंह मेहता है। अच्छा, और जो आपके नाम पर सब कुछ त्यागते वो कौन सा भक्त है? उसका नाम भी नरसिंह मेहता है। रुक्मण, एक आदमी में इतना गुण, बात मेरे समझ में नहीं आई स्वामी। हे देवी, क्या तुम्हें मेरे भक्त पर कोई आशंका है? नहीं स्वामी, नहीं नहीं, आशंका की कोई बात नहीं। पर इस युग में इस पृथ्वी पे ऐसा उसने क्या काम किया, कैसी आपकी भक्ति की जिसपे आपकी इतनी श्रद्धा है? ठीक है रुक्मण, यदि तुम देखना ही चाहती हो तो मैं नरसिंह की परीक्षा लूंगा, परंतु ये परीक्षा तुम्हारे खातिर नहीं, ये परीक्षा संसार वालों के लिए होगी, ताकि दुनिया ये जान जाए कि नरसिंह की भक्ति में कितनी शक्ति है, नरसिंह की भक्ति में कितनी शक्ति है। श्री कृष्ण ने नरसिंह की परीक्षा लेने हेतु जय श्री कृष्ण। ये लोग मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करो, सांवरिया तुम्हारा कल्याण करे। ओ श्री मन इसे स्वीकार करो, इसे बेच के तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। नरसिंह सेठ की जय हो, नरसिंह सेठ की जय हो। ओ श्री मन नारायण 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 तभी एक योगी सन्यासी साधु वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण नरसिंह की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण नरसिंह जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो तुम्हें क्या दुख है, क्यों विलाप कर रहे हो? मैं भिखारी हूँ, दुनिया के जंजाल में फंस कर अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जहन, कुछ भी नहीं। अरे भगत, भटकने से कोई फायदा नहीं, यूं भटकने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तुम तो बस सांवरिये के शरण में जाओ, वो सबका दुखड़ा दूर करता है, तुम्हारा भी दुखड़ा दूर करेगा। अरे वाह सेठ जी वाह, बड़ी ज्ञान की बातें सूझ रही हैं। अरे आपका पेट तो भरा हुआ है ना, इसलिए आपको भक्ति और भगवान की बातें सूझ रही हैं।
तुम कहना क्या चाहते हो? अगर सुनना ही है तो सुनिए सेठ जी, आपके पास धन है, दौलत है, जिससे दान पुण्य करके आप भक्ति का ढोंग करते हैं। अगर आपकी भक्ति इतनी ही सच्ची है तो मेरी तरफ भक्कड़ होकर, मेरी तरफ भिखारी होकर करके दिखाओ तो मैं जानूंगा तुम्हें कितनी भक्ति है, आप कितने बड़े भक्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई तुमने तो मेरी आंखें खोली, मुझे आज सच्चा रास्ता दिखाया है। तुम तो भगवान के भेजे हुए अवश्य कोई दूत हो। ये धन, ये दौलत, ये माया, ये मेरे किसी काम की नहीं भगत, किसी काम की नहीं। आज से ये धन, दौलत, ये सब कुछ मैं सांवरे के चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से ये सब कुछ तुम रख लो, मेरा मान सम्मान, मेरा मान सम्मान आज से सांवरे के चरणों में है। आज से मैं सांवरे का गुलाम बन गया। मेरी पगड़ी स्वीकार करो। हे भगवान, हे सांवरा सिंह, मैं आ रहा हूं। नरसिंह, ये तुमने क्या किया? एक बार तुमने सोचा तक नहीं, मेरे नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। कौन कहता है नरसिंह कि तुम निर्धन हो गए? कौन कहता है नरसिंह कि तुम गरीब हो गए? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान नरसिंह, सबसे बड़े धनवान। कौन कहता है कि तुम भिखारी हो गए? तुम इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो, क्योंकि आज ये सांवरिया तुम्हारा गुलाम हो गया नरसिंह, क्योंकि आज ये सांवरिया तुम्हारा गुलाम हो गया। आज मैंने तुमसे सब कुछ तो ले लिया, परंतु जान रहे नरसिंह, समय आने पर इस सारी धन दौलत मैं तुम्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगा, तुम्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगा, सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जहाँ में कोई जब तुम्हारा न हो, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, चले आना तब नरसी पास मेरे, मेरा दर खुला है, खुला ही मिलेगा। कन्हैया, तुमने मेरी पुकार सुन ली, तेरी ही कृपा से मेरी बेटी को इतना अच्छा वर मिला है। बड़ी धूमधाम से होगी मेरी लाडो की शादी। जब ये खबर मेरे बापूजी को मिलेगी तो वो इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे। बड़ी आई खुशियां मनाने पर, अरे उछल तो ऐसे नहीं है जैसे साल का सारा कष्ट तेरे पापों के घर से आ रहा। सारा धन दौलत उन भिखारियों में लुटाकर नरसिंह जोगी चक्कड़ हो गया। अरे हम क्या मर गए थे? सारा धन भिखारियों में बांटने की वजह, अरे हम ही दिया होता। अरे हम ऐसे भिखारी को निमंत्रण कर भेजेगा बोलो? अगर वो हमारे गांव में आता भी है तो हमारी रही सही नाक कट जाएगी। वो फकड़ मारे में क्या लाएगा? उसके पास है क्या? नाना ननद भाई सा ऐसा ना बोलो। अरे मुझे तो कितना ये दिन हो गया, मैंने अपने बापू जी को देखा भी नहीं, वो कैसे हैं, कहाँ हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ससुर जी, आप मेरी
ठीक है ज्यादा भोले मत बन, भेज दूंगी इस भिखारी को निमंत्रण पत्र, जा जाके अपना काम कर जा। अरे माँ ये क्या कर रही हो, ये क्या बोल रही हो, नाक कटवा रही है क्या? अरे अरे तू भी चुप कर, उस नरसी को कुमकुम पत्र के साथ माइन के समान का चिट्ठा भी तो भिजवाना है, और उसमें माइन का इतना समान लिख देंगे, इतना समान लिख देंगे कि ना तो निर्धन नरसी के पास इतना समान होगा और नहीं वो योगी फक्कर दान में आएगा। अरे माँ माँ क्या उपाय सोचा है, तुम तो बड़ी चतुर माँ, तुम्हारा दिमाग तो मंदारा से भी ज्यादा तेज चलता है माँ। क्या कहा कलमोही, तुम मेरी बड़ाई कर रही या बुराई? मैं तुझे मंथरा नजर आ रही हूँ, अभी बताती हूँ तुझे, अंदर चल सब बताती हूँ, चल अंदर। क्योंकि सांस भी कभी लेकिन जैसे क्या मारे के सामान का इतना बड़ा चिट्ठा, नरसी भाई सोने चांदी हीरे मोती क्या हो, पूछूंगी सन्यासी भगत नरसी का सिलाई का मायरा। नरसी मेहता अपना सर्वस्व निछावर करके अब सांवरिये के चरणों में समर्पित भाव से, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, चिट्ठा लिए भक्त ध्यानदास वहां पहुंच जाते हैं नरसिंह मेहता के पास। अरे ओ नरसिंह जी अरे ओ नरसिंह जी वाह क्या भगत आया है, बड़ा संस्कारी है, आते हैं पांव पे गिर गया, वाह चुप चुप चुप, वाह बहुत बड़ा संस्कारी भगत है, वाह वाह वाह। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया, संस्कारी भगत। अरे भाई वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि आज बड़े प्रसन्न चित लग रहे हो, क्या बात है ध्यानदास, कोई राजी खुशी खबर लाए हो क्या? अरे नरसिंह जी बात ही प्रसन्न कर देने वाली है, एक विवाह में जाने का निमंत्रण आया है। विवाह में जाने का निमंत्रण? अरे नरसिंह जी देखो देखो बहुत दिन से ये फूटा फाटा खा खा कर मेरी तो ये चुटिया भी खड़ी हो गई है, आप को किसने याद किया? ये रही नरसी जी आपकी कुमकुम पत्री, बड़ी दूर से लाया हुआ, देखो तो सही। अरे अरे हमारा ब्याही सगा रंगनाथ जी ने हमें याद किया है, मेरी नानी बिटिया की पुत्री सुलक्षणा बाई का ब्याह होना है। अरे ठहरो ठहरो नरसिंह जी ठहरो, एक 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 और पत्नी है। एक और पत्नी? हाँ नरसिंह जी, दो ब्याह का निमंत्रण, दो बार भोजन। लेकिन देखो जो सही कारण दिया। अरे भाई दो निमंत्रण, जरा देखो दूसरी, ये मिल गई, ये देखो नरसिंह जी आपकी दूसरी कुमकुम पत्री, लो स्वीकारो पांचों और बताओ किसने भेजी है। मायरी के
सामान की कुमकुम पत्री जैसे ही नरसी मेहता ने खोली, उनके आंख खुले के खुले रह गए। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात पन्ना इतना सारा मारे का सामान ये गरीब नरसी कहां से लाएगा? अरे ओ नरसी जी, रहने दो, हम नहीं जाएंगे विवाह में। जहां आपका सम्मान नहीं वहां नहीं जाएंगे। हाँ अरे नरसी जी, एक बात तो बताओ, विवाह में जाने का निमंत्रण आया ये तो ठीक है, लेकिन मारे के सामान का इतना बड़ा चिट्ठा ये कहां से आएगा? नरसी जी कहां से आएगा? भाई ध्यानदास, हमें तो हमारे सांवरिये पर भरोसा है। देख भाई, मेरे पास दो पत्री आई है, ये ब्याह में जाने का न्योता, ये तो नरसी मेहता और उनके साथियों के लिए आया है। दूसरा ये मायरे के सामान का चिट्ठा, ये मेरे लिए नहीं, ये तो मेरे सांवरा सेठ के लिए आया है। ये सांवरा जाने और सांवरे का काम जाने। देख सांवरा, ये कुमकुम पत्री तेरे चरणों में नरसिया समर्पित करता है। जय श्री कृष्ण। सांवरा ये तू जाने और तेरा काम तेरे ही दया से दाता करी में कमाई, तेरे ही दया से नानी हुई रे परा। सारे भक्त आते हैं हाथ उठा के ताली बजा के।
लगता है कि मेरे बाबू के पास कुछ भी नहीं है। मेरा बाबू इतना मारे का सामान कहाँ से लाएगा? ऐसा हो गया तू ही तो है जो मेरी लाज बचा सकता है। आजा मेरे सांवरिया, आजा, आजा, आजा। Thank you.
से क्या मुसर मुसर कर रहा है? अरे ए कृष्णा, तुझे पता है हम कौन है? तू देख जरा, जा तू देख। अरे बता दिया था। अरे नहीं, अरे रहो रहो, मैं जाता हूँ। अरे कृष्णा बोलो
ताली पे समारोह है। कितने लोग हैं? हाथ पूरे खड़े होने चाहिए और तालियां बजनी चाहिए जोरदार। 2, 3, 2, 1। अरे अट चौड़ी गाड़ी तेरी कैया तू संभाल सी, शाम के हवाले कर सरपट चाल सी, शाम के हवाले कर सरपट चाल सी। इस 11 की रात में श्याम हवाले कितने भक्त यहाँ विराजमान है। अट चौड़ी गाड़ी तेरी कैया तू संभाल सी, बाबा के हवाले कर सरपट साहूकार का नहीं, ये काम मेरे भगत का है, यहां तो मैं ही जाऊंगा।
मैं भी आपके साथ मायर करने जाऊंगी। आखिर मैं भी तो आपकी लुगाई और नानी बाई की भौजाई हूँ। रुक्मण, भला मैं तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ? ओ स्वामी भाने साके ले चालो जी, ओ स्वामी भाने साके ले चालो जी, मरी नानी बाई के सुरंग भात में। पानी की मटकी लेकर के उसके समक्ष आ जाती है।
अरे नानी, तुझे कुछ भी खबर भी है या नहीं? इस अरमारी में केवल एक दिन बचा है और तू यहाँ बैठे आराम कर रही है। अरे सारे गांव वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? तेरा बाबू तो मारा लेकर आया नहीं। ले ले ये मटकी और जा पानी भर के ले आ। इससे अच्छा होगा कि तू वहीं डूब के मर जा। वापस लौट कर मत आना। जैसा बाप वैसे बेटी। अच्छी नाम कटाई हमारी। नानी अपना धीरज खो चुकी। अब तो मन में ठान लिया कि अब घर वापस नहीं लौटूंगी। इसी सर्वर में डूब के अपनी जान माया थारी लाडली जी।
प्यार करती है, अर्ज करती है और कहती है, सांवरा अगर आज नहीं आया तो मेरे प्राण यहाँ से जाएंगे, मेरे प्राण यहाँ से जाएंगे। सांवरा आजा, आजा मेरा वीरा, मुझे चुनरी उड़ाने आजा, एक बार तो धीर मचा जा, आजा हो भैया भाषा, टुकड़ भी आई है, पूछ ले आंसू, पूछ ले नाली, जा
कह दे दुनिया वालों को कि तेरा भाई आया है। हाँ हाँ तेरा भाई आया है नानी, तेरा भाई आया है। मैं तो धन्य हो गई जो आप दोनों के दर्शन हुए। मांग नानी मांग, क्या चाहिए तुझे? आज तू मुझसे कुछ भी मांग ले, आज तेरा भाई तुझे ना नहीं कहेगा। मांग बहन मांग, क्या चाहिए तुझे? ये सावरिया मोर मुकुट बंसी वाले, मुझे मेरा भाई ये चाहिए। सावरिया जब तुम मायना भरने आओगे तो उन्हें भाई बन के आना। भगवान कृष्ण सावरा सिर बन के नहीं आना। तुम्हारी सिर पर ये मोर मुकुट नहीं होनी चाहिए। अरे मेरा भाई तो माथे पर पगड़ी बांध कर आएगा ताकि दुनिया ये नहीं बोल सके नानी बाई का भाई नहीं सांवरा सेठ आया है। भैया तुम आओगे ना? बोलो ना भैया, आओगे ना? नानी आज तेरा भाई तुझे वचन देता है कि जो लोग तुझे देखकर हंसा करते थे, हाँ नानी वो तुझे देखते रह जाएंगे। आज तक ना ऐसा मायरा भरा गया ना भरा जाएगा, मैं भरूंगा। शक्कर करोड़ का मायरा, शक्कर करोड़ का मायरा, शक्कर करोड़ का मायरा। जा रानी कह दे दुनिया वालों को कि तेरा भाई आ रहा है, तेरी बेटी का मामा आ रहा है। जा रानी कह दे दुनिया वालों कि तेरा भाई आ रहा है, तेरा भाई आ रहा है। इतना कह वहां से प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। नानी ने एक बात और कहा कि भैया ये दुनिया वाले पूछेंगे कि तेरा मायरा भरने कौन आ रहा है, तेरा तो कोई भाई नहीं था, तेरा भाई आखिर कौन आ रहा है? तो जा नानी उन दुनिया वालों को जाके कह दे कि कोई पूछे कि सांवरिया तेरो काई लागे, हाँ तेरो काई लागे। सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई। इस सेलिब्रेशन में नानी भाई के बारे में हमारी संस्था पूरी तरह से तैयार है।
कुछ लेफ्ट कुछ राइट, सारी बातें मेरे पीछे आई इधर आई। अरे सब झूमो नाचो, वो आने वाला है। सब झूमो नाचो, वो आने वाला है। पकड़ी बांध रहा बोली ले चलने वाला है। सब झूमो नाचो, वो आने वाला है। सब झूमो नाचो, वो आने वाला है। पकड़ी बांध रहा बोली ले चलने वाला है। सब झूमो नाचो, वो Yeah.
क्या किया। चलो पहले माताओं में रोके गरबा, उसके बाद दान। कुल मिला के आपको समय मिलता है फाइव। चलिए ये बड़ा प्यार सभी आप सभी दर्शन करें। भाई ने उड़ाई जद चूनड़ी सावन सा, भाई ने उड़ाई जद चूनड़ी चूनड़ी भाई निर्खे दोनों भुजा पसार सावन सा, भाई ने उड़ाई प्यारी। चलो जी अब सबके सब मिलकर जरा गरबा करने की हो जाते हैं डांडिया। वन टू थ्री गरबा।